ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਕਈ ਕੋ ਛਾਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦੋ ਇਹਦਾ ਮੇਜਾ ਸਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੇਤਾ ਵਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਮਰ ਟੂਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਮੇਤਾ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਂ ਚੱਲਣੀ ਕਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾਂ ਉਵੇਂ ਕੁੜੀ ਆ ਰੋ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਰੁੱਲ ਗਈ ਬੜੀ ਪਲੀ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੈ ਛੱਬਲ ਦੇ ਗਲੋ ਜੀ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਦੀ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਹੈਗੀ ਸਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈ ਲੈਟ ਕੀ ਆਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੌਕ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਲਾਹੌਰ आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए। ये गाय है, इसको हमने स्टमक ट्यूब के ज़रिए से इसका स्टमक वॉश किया है और ये देखें कि हमने पूरी वीडियो अगर दिखाते तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग की वीडियो बनती। तो हमारे दोस्त जो हैं वो काफ़ी हद तक यानी कि हमें मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कोशिश करें कि वीडियो को छोटी वीडियो बनाया करो, ज़्यादा वीडियो ना बनाया करें क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से। तो हमने इस गाय की यानी कि स्टमक ट्यूब के ज़रिए स्टमक वॉश किया और ये तकरीबन मुसलसल 3 से 4 मिनट तक ये यानी कि ये देखे स्टमक ट्यूब में ये जो अनडाइजेस्ट है, जो स्टमक में यानी कि जो इंफेक्शन ऑफ क्यूमर की वजह से मैदे में जो बंद लगा हुआ था, बंद होने की वजह से ये गाय काफ़ी हद तक यानी कि परेशान थी और तकलीफ में थी। और सबसे मेन जो वजूहत ये है, ये गाय 8 दिन से तकरीबन ये अपनी यानी कि दर्द जो पेट में दर्द महसूस करता है, जानवर कभी बैठ जाता है कभी लेट जाता है, ये पिछली जो दोनों टांगें ये बिल्कुल सुकून से नहीं खड़ी हो रही, कभी ये एक टांग जब कभी दूसरी, कभी राइट साइड वाली टांग उठा लेती है, कभी लेफ्ट साइड वाली टांग उठा लेती है, कभी ये नीचे गिर जाती। अब और एक चीज़ ये है कि ये एडवांस प्रेगनेंट भी है, 7 मंथ की, 7 माह की प्रेग्नेंट भी है। और इसका जब हमने फिटस चेक किया वल्वा के ज़रिए से, तो रेक्टल के ज़रिए पहले हमने चेक किया फिर वल्वा के ज़रिए से चेक किया, तो हमें इसके यानी कि फिटस की जो हरकत है और बच्चे का जो फ्लूड वगैरह जद वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आया था। सर्वेक्स का वो भी बंद था, जिसकी वजह से हमें ये महसूस हो रहा था कि अभी तक इसका जो फिटल और प्रेगनेंसी जो है अभी तक सेफ है। लेकिन फिर भी हमने ये आगाह कर दिया था क्योंकि ये बैठने उठने से हो सकता है फिटस को कोई प्रॉब्लम ना बन गई हो, लेकिन वक्ती तो यानी कि जब हमने देखा इस टाइम तक तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो हमने स्टमक ट्यूब के ज़रिए सब जैसे मैदा वाश किया, मैदा वाश करने के फ़ौरन बाद ही इस गाय की जो पेन थी, कोलिक थी, दर्द थी, पेट में जो दर्द महसूस कर रही थी, ये फ़ौरन ही रोगी गाय सुकून में। और इसके साथ साथ जो फ्लैंक्स भरी हुई थी, टेम्पनी थी, ब्लोड थी, और ये टेम्पनी और ब्लोड के यानी कि कस्टमर के जो फार्मर हैं इनके कहने के मुताबिक ये तकरीबन 8 दिन से मुसलसल ये 8 दिन से कभी ये थोड़ी सी कम हो जाती थी, कभी ये ज़्यादा हो जाती, जब थोड़ा सा पानी पी लेती थी तो ज़्यादा हो जाती थी, और अगर पानी वगैरह को 3 से 4 घंटे तक स्टे किया जाए तो ये कम हो जाती थी। तो पानी पीने के बाद फ़ौरन ही पेट टेम्पनी जो थी भर जाती थी। क्यों भर जाती थी? क्योंकि इसके र्यूमन में काफ़ी हद तक जो चारा वगैरह डाइजेस्टा भरा हुआ था, ये चारा वगैरह भी डालते थे और ये गंदम का भूसा और जई वगैरह और इसके साथ साथ दलिया चोकर और खल वगैरह भी डालते थे। तो इसके साथ जितनी ज़्यादा भारी खुदा भारी गुदा दाना वंडा खल चोकर वगैरह ये सब चीज़ें डालने के साथ साथ इस गाय को सब्ज चारे के साथ यानी कि जो मकई वाली जो छिल्ली वाला जो चारा होता है वो भी डालने की वजह से अंदर से बंद लगाता जा रहा था और ये स्टोमक भर जाने की वजह से, गुज़ा का ना हजम होने की वजह से, गर्दश हजम गर्दश मैदा ना होने की वजह से स्टोमक जो था वो ब्लॉक हो चुका था, रुका हुआ था, जिसकी वजह से इंफेक्शन का मसला बना था। तो ये जो चीज़ें इसने दी, लिक्विड पैराफिन और मुख्तलिफ डॉक्टरों के यानी कि अपने अपने नुस्खा जात ड्रिपें वगैरह
और मेडिसन जो भी इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया भी है, लेकिन ये इसके बावजूद ये इलाज ना कर सके। तो हमने जब इसका स्टमक वाश किया, स्टमक वाश करने के फ़ौरन बाद ही इस गाय के सामने हमने यानी कि मकई के जब चारे के यानी कि हमने चारा डाला तो ये थोड़ी ही यानी कि समझ लो देर के बाद ये चारा खाना शुरू कर दी। तो घंटे के बाद डेढ़ घंटे के बाद हमें फ़ोन आया था कि ये चारा ज़्यादा खा रही है, तो हमने ने हदायत की थी कि ये 10 किलोग्राम से ज़्यादा आप चारा ना दें और कोशिश करें 3 से 4 दिन तक इसकी खुराक जो थी वो कम कम रखें और इसको एलविजेस्ट और रीस्ट वगैरह देते रहें, टॉक्सिन बाइंडर देते रहें या फिर रोमिसेल या फ्रंजी फीड देते रहें ताकि जानवर का स्टोमक जो है वो पावर में रहे और इसका जो माइक्रोफ्लोरा स्टोमक जो होता है जो कि मैदे के लिए और ख़ुराक हज़म करने के लिए जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। ये देखिए हमने लिक्विड पैराफिन जो है ये हमने दूध में मिलाकर इसकी यानी कि स्टमक ट्यूब के ज़रिए ही हम भेज दिया है, 2 लीटर हमने स्टमक यानी कि ट्यूब के ज़रिए लिक्विड पैराफिन भेज दिया है और साथ हमने 2 से 3 लीटर तक दूध भी भेज दिया था। इसके साथ ईस्ट टॉक्सिन बेंडर और एलविजेस्ट ये हमने हदायत कर दी थी, 1-2 खुराक हमने अभी दे दी थी, 1 खुराक हमने सुबह यानी कि 1 किलो दही में मिलाकर भी दे सकते हैं। ये हमने 15 दिन तक इसको देने का मशवरा दिया और हेपागन के इंजेक्शन जो है हमने 20 ml डेली, एनरोफ्लोक्सासिन 10 ml डेली और पेन किलर के तौर पर फ्लोनेक्स मैगलोमिन के इंजेक्शन जो हमने 10 ml डेली देने का मशवरा दिया।